Hey, what's going on? मैं हूँ आप लोगों का दोस्त यश एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गेम ऑन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द टॉप रेटेड मल्टीप्लेयर कोऑप एफपीएस गेम्स ऑफ 2019 इंसर्जेंसी सैंडस्टॉर्म विच इज अ सीक्वल टू द ओरिजिनल इंसर्जेंसी ऑफ 2014 जो तो आप लोगों ने खेला ही होगा शायद वन ऑफ द बेस्ट कोऑप गेम्स एवर मेड। सो एज दिस इज अ न्यू गेम बहुत लोगों को ये सवाल आता है कि यार क्या मुझको 60 FPS मिलेगा हाई सेटिंग्स पे। बजट इंडियन गेमर्स भी लाइक हाई मीडियम छोड़ो भाई मुझको बस लो पे 60 मिल गया तो फिर भी चलेगा मुझको सिर्फ खेलने से मतलब है। एंड आई एम ऑल्सो बजट गेमर मेरे पास भी सिर्फ एक 1050 Ti है कोई SSD वगैरह और Ryzen प्रोसेसर नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेंचमार्क का वीडियो बनाया जाए। तो गाइस बिफोर मैं स्टार्ट करूँ आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई लॉयल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भी हमारा चैनल को बिल्कुल शुरू से सपोर्ट किया है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है द विटनेस विच इज़ अ फर्स्ट पर्सन ओपन वर्ल्ड पजल गेम जिसका प्राइस है 800 रुपये ऑन स्ट्रीम पर कुछ दिनों के लिए वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है epicgames.com पे। आई थिंक गिव अवे लास्ट करेगा टिल 18th April। सो गाइस जस्ट गो एंड ग्रैब इट सून बिफोर सप्लाइज आर ओवर। तो चलिए आप शुरू करते हैं हमारा वीडियो को। मेरा पीसी वैसे कुछ खास तो नहीं है, एक बहुत ही बजट फ्रेंडली बेसिक गेमिंग रिग है AMD का FX6300 6 कोर 3.5 GHz प्रोसेसर, उसके साथ है NVIDIA का GTX 1050 Ti का GPU, 8GB DDR3 कोर साइड वेंजेंस का RAM और कोई SSD नहीं बिल्कुल मामूली सा 1 TB हार्ड डिस्क। तो गाइस पहले लो पे रख के देखते हैं कितना FPS मिलता है हमको। तो यहाँ पे मैं सब कुछ लो पे कर देता हूँ FX शैडो टेक्सचर्स फ्रेम मोशन ब्लर सैम्पलिंग एम्बियंस सेटिंग्स। तो गाइस जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़ा सा कार्टूनिश है क्योंकि आपने सब कुछ लो कर दिया है, लाइट इफेक्ट्स शैडोज टेक्सचर्स उतना अच्छा नहीं है, लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर भी FPS इस अब आप 30 तो यहाँ पे आपको कोई नोटिसेबल लैग या स्टटरिंग नहीं देखने को मिलता है तो आप फ्रीली खेल सकते हो यहाँ पे इजीली विदाउट एनी लैग। सो गाइस दिस इज़ द बेस्ट सेटिंग्स फॉर माय रिग एटलीस्ट। तो आप ग्राफिक्स को मीडियम सेटिंग्स पे रख के देखता हूँ यहाँ पे सब कुछ टेक्सचर्स इफेक्ट्स फुली अच्छा सब कुछ मीडियम पे हो गया अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो गाइस यहाँ पे शुरू पे ही FPS ड्रॉप होता है 28 पे आ जाता है अभी फिर से 42 पे चढ़ गया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले से, लाइटिंग वगैरह टेक्सचर्स इम्प्रूव हुआ है लेकिन नोटिसेबल लैग एंड स्टटरिंग भी देखने को मिलता है हमको। तो ये थोड़ा मतलब अनप्लेबल है एट टाइम्स मोस्ट ऑफ टाइम्स इन माई ओपिनियन। गाइस अगर आप ऐसे सर्वर पे खेलते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग और प्लेयर्स होते तो आपका लैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा ग्राफिक्स इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन गेम थोड़ा अनप्लेबल है, ओपोनेंट आपको इजीली मार सकता है। तो सो लेट्स ट्राई हाई सेटिंग्स नाउ। नाउ अभी मुझको पता है कि ये होगा नहीं अभी मेरा पीसी से लेकिन फिर भी आप लोगों के खातिर। तो FPS ड्रॉप तो शुरू से ही बिलो 30 मतलब यहाँ पे आपका लैग स्टटरिंग सब कुछ देखने को मिलेगा, अभी खेलना इज नियरली इम्पॉसिबल। ग्राफिक्स का सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, टेक्सचर्स एंड ऑल काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इस गेम का ग्राफिक्स का असली पावर लेना है तो गाइस आई रिकमेंड यू गेट एन SSD, नहीं तो आपका ये हाल होगा हर बार डिफीट। तो गाइस अभी हम इसको चेंज करते हैं वेरी हाई पे विच इज़ गोइंग टू बी मिशन इम्पॉसिबल फॉर माई PC क्योंकि ये तो मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई। अभी FPS 72 हो जा रहा है अभी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेम इज नियरली अनप्लेबल, आप एक ट्रक के ऊपर बैठे हुए हो लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे अभी आप। पहले गाइस आपको
कंसिडरेबल FPS ड्रॉप दिखने को मिलता है अभी यहाँ पे 14, 12, 20 FPS देखने को मिलता है. तो गाइज यहाँ पे इन गेम फुटेज का टाइम पे यहाँ पे सीवियर FPS ड्रॉप होता है. नॉर्मल गेम प्ले के टाइम पर भी 22, 29 FPS कभी कभार 30 के ऊपर भी चला जाता है, लेकिन फिर भी द गेम इज़ अनप्लेएबल. इसके पहले कि आप अपने एनिमी को देख के शूट करो, ही विल किक योर एस. सो दिस गेम इज़ एब्सोल्युटली अनप्लेएबल एट वेरी हाई एंड हाई. कभी कभार मीडियम सेटिंग्स पर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग होता है अगर आपके सर्वर पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी है. तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू गेट एन SSD एंड Ryzen 5 और i5 प्रोसेसर एटलीस्ट अगर आप इस गेम का ग्राफिक्स इंजॉय करना चाहते हो. लेकिन अगर आप सिर्फ खेलना चाहते हो, इफ़ यू वांट द कॉम्बैट एक्सपीरियंस ऑफ दिस गेम विच इज़ रियली गुड, आप लो पे खेल सकते हो. तो गाइज आई होप कि मेरा बेंच मार्किंग वीडियो आप लोग पसंद आया है. अगर आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को. आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक इट ईजी एंड लाइक ऑलवेज गेम ऑन.